स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ सेकेंड चैप्टर का MCQ। रिवीजन चल रहा है, पहला चैप्टर का MCQ हो गया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी पहला चैप्टर से बन सकता है सारा क्वेश्चन बता चुके हैं। ना देखो तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट नया वाला बना दिए हैं और एक बार पूरा चैप्टर ख़त्म है। बाकी कोई दूसरा चैप्टर देखना हो तो उसके लिए भी एक नया दूसरा प्लेलिस्ट है, वहाँ जा करके देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में सेकेंड चैप्टर का MCQ देखेंगे इस वीडियो में कि क्या क्या MCQ सेकेंड चैप्टर से बन सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, वो बोर्ड में दिखाते चल रहे हैं। एक क्वेश्चन इस तरह का रहेगा जो कि बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए इसको एक ही बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे। इस तरह से रहता है जिसमें से PX का शून्यक निकालना है, ठीक है। इस तरह से एक ग्राफ ऐसा किया हुआ रहेगा, PX की शून्यक, ये X है, ये Y अक्ष है। तो PX यानी कि 16 लाइन में कितना बार कटा है, ये जो ग्राफ गया है वो कितना बार X अक्ष को काटा है वही हो जाता है उसका शून्यक। तो एक बार यहाँ कट रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो इसका शून्यक हो गया 3, बस हो गया आंसर, ठीक है। कोई ग्राफ रहेगा जिसमें इस तरह से है तो 2 बार कटा तो 2 आंसर, कहीं पे इस तरह से है तो अगर इसको खाली टच करके जा रहा है वापस तो ये 1 बार कटा है ना, 1 बार। और कहीं भी ऐसा हो कि ऊपर लाइन के लिए X में एक बार कटा ही नहीं एक भी बार तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 2। तो इस तरह का एक क्वेश्चन रहेगा, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए इसको हटाते हैं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखिए जो कि आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 12 से, है ना, 11 तक वही सब क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ax2 + bx + c के दो शून्यक हो तो α + β क्या होता है। तो देखिए α + β बराबर फॉर्मूला बताए हैं -b/a होता है, ठीक है, -b/a। चैप्टर पूरा पढ़ाए हैं उस समय सब सारा चीज़ों को समझाए हैं, α + β क्या है। खैर इसमें भी क्वेश्चन आएगा, समझाते चलेंगे, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला टाइप में याद रखिएगा, α + β - b/a होता है, और अगर α × β रहता α β तो होता है c/a, ठीक है। जहाँ पे ABC क्या है, तो ax2 + bx + c = 0, इस तरह का समीकरण है। तो x² वाला को a कहते हैं, x के साथ जो रहेगा उसको b, और जिसमें x ना हो उसको c कहते हैं, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ax2 + bx + c के दो शून्यक हो तो α × β क्या होगा, ठीक है। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन है, α × β क्या होगा, तो α × β c/a होगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² - 9x + a के शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल दिया हुआ है 8 है, तो इसका शून्य क्या होगा, ये हमको बताना है, ठीक है। शून्यकों का क्या गुणनफल दिया हुआ है, तो शून्य को गुणनफल यानी ये गुणनफल है α × β, ये दिया हुआ 8, और इसका फॉर्मूला होता है c/a। पहले इस वैल्यू निकाल देंगे, उसके बाद ये समीकरण बन जाएगा, फिर समीकरण से हम द्विघात बहुपद जो है द्विघात समीकरण उससे हम शून्य आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, α × β दिया हुआ है 8, तो α × β का फॉर्मूला होता है c/a बराबर हो गया 8। 8 के नीचे कुछ नहीं, तो 1 लगा दो, तो a बराबर आ गया 1 और c बराबर आ गया 8। अब ये समीकरण क्या बन गया, देखिए x²-9x + a। अब ये a का मतलब 1 आया है, तो मत इस a में रख दीजिएगा, इस a में रख दीजिएगा a का 1, तो हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि ये जो a है ये समीकरण में a किसको, इसको बोलते हैं ना, ax² + bx + c होता है, यानी ये वाला जो है ये c है, यानी c का वैल्यू को यहाँ लिखेंगे 8, और a का 1, तो a का 1 है, ये है x में, देखिए कुछ नहीं है, 1 है, ठीक है। तो x²-9x + 8 = 0, ये समीकरण बन गया। अब समीकरण बन गया तो हम जानते हैं इसका शून्यक निकालना कैसे निकालते हैं, पहला लास्ट को गुणा कर देते हैं रफ में, 8x² हो जाएगा। फिर इसको दो भाग में तोड़ने बोले हैं, तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा, दोनों के साथ x लगेगा, जोड़ने या घटाने से ये बीच वाला आना चाहिए यानी 9। तो 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आएगा, 4 में 2 घटाएंगे 2 आएगा, 9 नहीं आ रहा है, तो इसका काम नहीं, इससे काम नहीं हुआ। कोई दूसरा पहाड़ा हम देखेंगे, 8 आता है, 8 × 1 = 8 होता है, 8 × 1 = 9 होता है, लेकिन यहाँ -9 लाना है, तो दोनों में माइनस लगाना होगा, तब ना -−+ होगा, और 8 × 9 - 9 7x तो लगेगा ही सब में, ठीक है, क्योंकि 2x है, तो इससे आए ये वाला से, तो बस इसको उठा के यहाँ रख देना है, x²-8x - 1x, मतलब x खाली, +8 = 0।
यहाँ कॉमन क्या है, एक्स है, कॉमन निकालते हैं तो एक्स माइनस आठ बचेगा। यहाँ कॉमन क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, या इसी को बोले हैं थोड़ा जगह छोड़ के लिख देना है इसे, बराबर जीरो, और मिला देना ऊपर से माइनस एक्स, यहाँ प्लस एक्स है, तो कितना से गुना होगा, तो माइनस एक से गुना होगा, तो माइनस प्लस माइनस, एक और एक्स, एक एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस, एक अठे आठ, ठीक है, फिर वो एक्स माइनस आठ, एक्स माइनस आठ, फिर से कॉमन निकल जाएगा ये वाला, तो अबर बन जाएगा ये एक्स माइनस वन बराबर जीरो। अब क्या होगा, देखिए ये दोनों गुना में है, गुना में है तो गुना वाला उधर जाएगा जीरो तरफ, बराबर से उधर, तो भाग होगा, भाग होगा जीरो से तो जीरो बन जाएगा, तो दोनों बना गुना है तो दोनों तो उधर जा सकता है, देखा करके दोनों हटा देंगे। एक बार चलिए एक्स माइनस वन को हटा दिए, तो एक्स माइनस वन उधर जाके जीरो हो गया, तो बन जाएगा एक्स माइनस आठ हो गया बराबर जीरो। फिर एक बार एक्स माइनस वन को रहने दो, एक्स माइनस वन को बराबर इसको जीरो तरफ ले गए तो वो हो गया जीरो। तो एक्स का वैल्यू आया यहाँ से आठ, यहाँ से एक्स का वैल्यू आया माइनस वन, उधर आके प्लस वन, तो एक और आठ हो गया इस बहुपद का शून्यक, ठीक है। तो इतना लंबा है, देख लीजिए इतना लंबा बनाइएगा, एक नंबर टिक लगाना है तो देखेगा तो नहीं क्या बनाए, आंसरवा खाली वहाँ देखना है, आंसर खाली टिक करना है, ठीक है, लेकिन इतना लंबा बना, ये एक प्रोसेस। दूसरा तरीका, इसका एक शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, ऑप्शन से आप काम कर सकते हैं। दूसरा शॉर्टकट तरीका क्या है, ऑप्शन से काम करना, ठीक है। जैसे इसका ऑप्शन क्या क्या था उससे देखिए, ऑप्शन से आसानी से काम कर सकते हैं। पहला ऑप्शन था माइनस एक माइनस आठ, दूसरा ऑप्शन था एक माइनस आठ, तीसरा ऑप्शन था माइनस एक आठ, और चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन एक आठ। तो ध्यान से देखिए, ऑप्शन से आराम से हो जाएगा, ऑप्शन से बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं इसको। क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ आठ, गुणनफल का फॉर्मूला आता है सी बाई ए, आठ बटा है सी बाई ए, आठ हो गया, या ऐसे समझिए गुणनफल होता है दिया हुआ है आठ, तो यहाँ पे गुणनफल शून्यकों का गुणनफल, यानी ऑप्शन में जो है शून्यक ना दिया हो, दो गो शून्यक, दो गो शून्यक, दो गो शून्य, दो गो शून्य, तो शून्य का गुणनफल रोल आठ हो रहा है। तो देखिए कौन सा शून्यक है जिसका गुणा करने से आठ आएगा, यहाँ यहाँ चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा शून्यक है जिसका गुणा करने से आठ आएगा, क्योंकि शून्यकों का गुणनफल आठ कह दिया है तो आठ आना चाहिए। तो देखिए यहाँ गुणा करेंगे तो आठ का आठ यहाँ भी आ रहा है पहला नंबर में भी, दूसरा में भी आठ का आठ आ रहा है, तीसरा में भी आठ का आठ आ रहा है, चौथा में भी आठ का आठ, सभी को गुणा करने से दो दो शून्यक जो है सबको गुणा करेंगे आपस में तो आठ आ रहा है, तो यहाँ से तो पकड़ में नहीं आया। तो फिर देखना है कि प्लस आठ की माइनस आठ, तो प्लस आठ है ये, प्लस आठ दिया हो तो प्लस आठ किस में आता है उसको अब देखो, तो यहाँ माइनस माइनस दोनों में, तो माइनस माइनस प्लस आठ का आठ, प्लस आठ इसमें भी आ रहा, इसमें तो माइनस आठ आएगा, इसमें भी माइनस आठ, इसमें इसमें तो प्लस प्लस दोनों है, तो आठ का आठ ये भी बोल दो गो आया प्लस आठ, समझ में आ रहा है ना, गुना गुना मैंने कहा ये दोनों शून्य के, तो इसको गुना करें माइनस एक माइनस आठ, तो माइनस माइनस प्लस आठ का आठ, आठ आया, ये वाला को भी गुना करेंगे तो एक गुना आठ, आठ आया, तो दो ऑप्शन में आठ आया, मतलब यही दोनों में से कोई आंसर होगा। अब कौन होगा, कौन होगा, तो और एक फॉर्मूला हम जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, तो पहले इसको निकाल देंगे, माइनस बी बाई ए, माइनस बी इसमें देखिए समीकरण में, माइनस बी, बी में ये है नौ, माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बटा ए, ए में देखो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो एक है, तो एक नौ को एक से भाग देंगे यानी नौ। तो अब क्या देखना है, अल्फा प्लस बीटा आया नौ, अल्फा प्लस बीटा नौ, यानी अल्फा और बीटा यानी दोनों शून्यकों को जोड़ने से नौ आना चाहिए, तो इसको जोड़ के देखो तो नौ आएगा, माइनस एक प्लस माइनस आठ, तो इस होगा माइनस एक माइनस आठ, माइनस माइनस प्लस तो माइनस नौ आ रहा है, लेकिन हमको लाना है सिर्फ नौ, तो यहाँ देखो आठ अरे नौ हो रहा है, तो ये ऑप्शन जो है दोनों दोनों में सेट होना चाहिए, अल्फा गुना बीटा में भी, अल्फा प्लस बीटा में भी, दोनों में सेट हो गया तो वही आंसर, ठीक है। तो ये दोनों में सेट कर रहा है, इसलिए इतना सा काम करके इसको डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, इतना लंबा करते नहीं रहना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और भी ऐसा क्वेश्चन है उसको देखो, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन के शून्यक है अल्फा बीटा, ठीक है, कौन है शून्य, अल्फा बीटा, तो निकालने वाला वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा क्या होगा वो बताना है, वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा, अल्फा बीटा दो शून्य के, तो अगर उसको वन बाई अल्फा और वन बाई बीटा कर दे तो क्या होगा, तो सबसे पहले अल्फा और बीटा कितना है वो हमको निकालना होगा, तब ना इसको जोड़ेंगे और आंसर लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम शून्य निकालना ही पड़ेगा, इसमें कोई उपाय नहीं है,
ठीक है, शून्यक पहले निकालना पड़ेगा, तो शून्यक निकाल लेते हैं। शून्यक हम निकाल देते हैं वही विधि से, पहला लास्ट को गुणा करके और उसको गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो एक से स्क्वायर शुरू वाला लिख देते हैं, पहला लास्ट गुणा करेंगे तो एक एक स्क्वायर, एक किसका बड़ा माता है, एक 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 को जोड़ने से ये आना चाहिए, बीच पर बीच वाला दो है तो दो आ रहा है, देखिए एक और एक दो, प्लस दो लाना है इसलिए दोनों में प्लस लगाएंगे तो प्लस 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 होगा, एक एक दो होगा, तो प्लस एक एक, एक को नहीं भी लिखेंगे चलेगा लेकिन लिख दे रहे कोई दिक्कत नहीं, प्लस एक एक्स लास्ट में एक, कॉमन क्या है तो एक्स कॉमन है तो एक्स कॉमन निकला तो एक्स प्लस वन बच गया, इसी एक्स प्लस वन को यहाँ लिख दो थोड़ा दूर में, है ना, बराबर जीरो, शून्य निकाल रहे हैं, तो यहाँ क्या है देखो एक्स प्लस वन, यहाँ भी एक्स प्लस वन, तो प्लस वन से गुना होगा पूछ रहे, तो वन वन और एक्स वन एक्स वन 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 जो वन, फिर एक्स प्लस वन कॉमन निकलेगा तो बन जाएगा फिर से एक्स प्लस वन, यहाँ का एक्स यहाँ का वन बराबर जीरो, फिर एक करके हटा दो तो एक्स प्लस वन बराबर जीरो, फिर ये वाला एक्स प्लस वन बराबर जीरो, फिर एक्स हो गया यहाँ माइनस वन, एक्स हो गया माइनस वन, तो यानी कि अल्फा भी आया माइनस वन और बीटा भी आया माइनस वन। अब निकालना है वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा, तो वन बाय अल्फा, अल्फा में माइनस वन, प्लस वन बाय बीटा, बीटा में भी माइनस वन, तो ये माइनस ऊपर जाएगा, माइनस एक को एक से भाग देंगे एक ही होगा, फिर प्लस माइनस माइनस एक एक का एक ही होगा, तो माइनस माइनस प्लस जोड़ेंगे लेकिन माइनस लगेगा, तो माइनस दो हो गया आंसर। कौन सा ऑप्शन में है देख सकते हैं, आप लगा सकते हैं आंसर, ऑप्शन नंबर टू है ना। चलिए 15 नंबर कोई दिक्कत नहीं है, 16 नंबर तक, ये 15 नंबर था, 14 लिख दिए थे। सोलह नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक बराबर है, शून्यक बराबर है किंतु विपरीत हो तो ए का मान ज्ञात करें, शून्यक बोल रहा है, शून्यक जो अल्फा उल्टा बराबर है लेकिन विपरीत है, यानी एगो प्लस में तो एगो माइनस में होगा, ठीक है, विपरीत मान उल्टा है ना, एगो प्लस एगो माइनस, तो ए का मान निकालना है, ए का मान निकालना है, ध्यान से समझना है, ए का मान निकालना है, दोनों का जो है अल्फा और बीटा दोनों जो है बराबर है लेकिन विपरीत है बोल रहा है, ठीक है, तो एक ठो अगर हम मान के चलते हैं अल्फा और बीटा दोनों बराबर है लेकिन एगो माइनस में, दोनों बराबर है तो एक ठो को मान लेते हैं अल्फा, तो एक ठो हो जाएगा माइनस अल्फा, एक ठो को मान लेते हैं या ऐसा मान लेते हैं एक, हाँ वही मान लीजिए ना, अल्फा 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 बीटा होता है लेकिन दोनों बराबर है तो एगो अल्फा और एगो माइनस अल्फा मान लेते हैं, ठीक है, बीटा की जगह माइनस अल्फा मान लेते हैं, बीटा बराबर माइनस अल्फा है और अल्फा बराबर मान लेते हैं अल्फा, अल्फा को अल्फा ही मानते हैं और बीटा को भी अल्फा क्योंकि दोनों बराबर है लेकिन विपरीत है बोला है, एक ठो मान बीटा को माइनस अल्फा मान लेते हैं, ठीक है, अब हमको ए का मान, ये वाला ए जो यहाँ 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 उसका मान निकालना है, तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा की जगह है माइनस अल्फा बराबर माइनस बी, बी में है ए तो ए लिखेंगे बाई ए, ए में कुछ होने वन है तो वन, अभी अल्फा में अल्फा घटाएंगे जीरो बराबर माइनस बी, वन इधर जाके भी जीरो हो जाएगा यानी ए बराबर भी हो गया जीरो, ठीक है, ये वन है लेकिन वन जीरो तरफ जाके जीरो मिल गया, ए बराबर भी जीरो हो गया, ठीक है, तो ए बराबर जीरो चौथा नंबर ऑप्शन में है, ठीक है, तो इस तरह से देखिए बहुत ही ऊटपटांग क्वेश्चन आ रहा है जो कि एक्सरसाइज में कहीं नहीं भेटाया होगा, ऐसा क्वेश्चन हम खुद पढ़ाए हैं और पढ़ाते हैं जान रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन ही नहीं, तो ऑप्शन वाला में ये होता है, मतलब घुमा फिरा क्वेश्चन दे देता है, इसीलिए देखिए आसान है लेकिन नहीं देखे होंगे कहीं ये क्वेश्चन, तो दिक्कत करेगा स्टूडेंट के लिए, है ना, तो ध्यान देखिए बहुत ही आसान है लेकिन ऐसा उल्टा पलटा आता है, इसलिए एमसीक्यू को ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, 17 नंबर, 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर भी क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा 17, अब शून्य निकालने वाला गया, टी स्क्वायर माइनस 15 का शून्य क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस 15 तो दो गो है, हैं स्क्वायर में एगो बिना स्क्वायर का है, इसका शून्य क्या होगा, तो तीन गो रहता जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता, तो उसका पहला लास्ट गुणा करते हैं फिर कॉमन निकालते हैं
और एक्स का मान निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे दो ही है तो इसको शून्य निकालने का एक तरीका देखिए। एक फॉर्मूला हम जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में इसको सेट कर देंगे तो दोनों में स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन इसमें तो एक एक में स्क्वायर है, टी में स्क्वायर है खाली, पंद्रह में नहीं है। तो पंद्रह में रूट लगा करके स्क्वायर लगा देंगे ताकि पंद्रह को कोई फर्क ना पड़े और स्क्वायर भी लग जाए। सांपों ना टूटे और लाठियों मार जाए, आए उल्टा बोल रहे, लाठियों ना टूटे और सांपों मार जाए, मतलब देख हमको जरूरत था स्क्वायर का, बी में भी स्क्वायर लाना है, लेकिन ये पंद्रह लिख के कोई दिया तो पंद्रह को तो हम पंद्रह का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा, तो गड़बड़ है। कहा हम 15 रुपया दिए उसको 225 कैसे कर दिया, तू ऐसा तो नहीं हो सकता है, एक का डबल होता है लेकिन एक का इतना हो जाए वो तो कैसे संभव ही नहीं है। तो क्या करें, ऐसा कुछ कर कि स्क्वायर भी आ जाए, अरे 15 का 15 ही रहे, तो रूट लगा दो, रूट और स्क्वायर कट जाता है, 15 का 15 ही रहेगा, हमको ज़रूरत है खाली स्क्वायर के, इसलिए स्क्वायर आ गया। अब लगा दो ये फॉर्मूला, ए प्लस बी यानी टी प्लस रूट 15 और ए माइनस बी यानी टी माइनस रूट 15 बराबर 0, फिर एक एक करके हटा दो, एक बार ये 0 में जाएगा एक बार वो 0, यानी कि यहाँ से टी प्लस रूट 15 बराबर 0 एक बार हो जाएगा, एक हो जाएगा टी माइनस रूट 15 बराबर 0। तो यहाँ से टी आ गया प्लस में है तो माइनस रूट 15, और ये टी आ गया माइनस में तो उधर जाके प्लस हो, तो ये दोनों हो गया इसका शून्य, ठीक है, माइनस रूट 15 और रूट 15, तो दूसरा ऑप्शन में दिख रहा है। द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक है। अब इसका शून्य कौन है, तो एक चीज देखिए, ये तो एक ऐसा तरीका है, लंबा वाला तरीका, शॉर्टकट तरीका भी बता रहे हैं, कहा है कि इसमें तो दिखाना नहीं है, आंसर से मतलब है, बाकी लिखने वाला जो सब्जेक्टिव इसके बाद बताएंगे उसमें तो डिटेल बताएंगे, लेकिन यहाँ शॉर्टकट तरीका अगर होगा तो शॉर्टकट देखेंगे। तो ये इसका तरीका मेन क्या है, शॉर्ट लॉन्ग वाला तरीका, कि पहला लास्ट को गुणा करो, फिर उसका गुणनखंड करो, फिर बीच वाला को एडजस्ट करो, फिर कॉमन निकालो, फिर बाकी करो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम ऑप्शन से काम कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है माइनस 2 4, दूसरा ऑप्शन माइनस 2 माइनस 4, तीसरा ऑप्शन है 2 4, चौथा ऑप्शन है 2 माइनस 4। ऑप्शन से काम करना सीखिए, देखिए टिक लगाने वाला हूँ, ज़्यादातर ऑप्शन से काम करना सीखिए ताकि कम समय में क्वेश्चन बन जाए। तो देखिए हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा, जैसे एक क्वेश्चन उधर बताए थे ना, अल्फा प्लस बीटा जानते हैं माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी बाई ए निकाल देते हैं, ठीक है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बी होता है एक्स वाला, तो माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 बटा 1, तो कितना आ गया, चाहे इसको ऐसे इधर लिख देते हैं एक ही लाइन में, 2 1 2 ही आएगा, ठीक है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 आया, अल्फा प्लस बीटा बराबर 2, तो यहाँ पे देखो कौन ऐसा है, अल्फा बीटा दिया, अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा सब है, तो किसको दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, किसको जोड़ेंगे तो 2 आएगा आंसर। तो ये दोनों को जोड़ के देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी यहाँ माइनस 2 और प्लस 4, माइनस प्लस माइनस यानी घटाओ, तो 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आ गया, अल्फा प्लस बीटा 2 आ गया, यहीं से आ गया, मतलब ये अभी कन्फर्म नहीं हुआ है, आगे भी चेक कर लो, ये दोनों को जोड़ने से आएगा, देखो ये दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों माइनस सेम है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 4 2 6 हो जाएगा, नहीं आ रहा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4 2 6 हो जाएगी, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2 आ रहा है लेकिन माइनस 2 आएगा, कहेंगे देखिए 2 जोड़ -4 है तो माइनस प्लस माइनस 4 ऐसे, तो इसको घटेगा यानी माइनस 2 आएगा, हमको प्लस 2 लाना था, तो जब ये तीनों में नहीं आ रहा है सिर्फ इसमें आया तो कन्फर्म हो गया, जैसे दूगो में ऐसा आ जाता तो फिर एक ठो और फॉर्मूला जानते हैं अल्फा गुना बीटा, तो अल्फा गुना बीटा को चेक करते जैसे तभी चेक किए थे, लेकिन इसमें कन्फर्म एक एक ठो ये सेट किया, बाकी किसी में नहीं सेट हो रहा है, यानी इसमें कन्फ्यूजन की कोई बातें नहीं है, 100% आंसर आ गया, तो दूसरा को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है 18 नंबर का। 19 नंबर में आते हैं, यानी कह रहा है कह नहीं रहा है मन लिखा हुआ है, द्विघात बहुपद 3x² माइनस एक्स माइनस 4 का शून्य। तो वही शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे, ऑप्शन से काम करेंगे, ऑप्शन है 1 4/3, दूसरा ऑप्शन है -1 4/3, तीसरा ऑप्शन है
वन माइनस फोर बाई थ्री, चौथा में इनमें से कोई नहीं है। चलिए ऑप्शन से काम करेंगे। हम जानते हैं क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, इसी से शुरू करेंगे। तो माइनस बी, यहाँ से देखो बी माइनस में वन है तो माइनस माइनस प्लस वन, ए तीन है तो तीन, यानी अल्फा प्लस बीटा आया एक बटा तीन। अब वही अल्फा प्लस बीटा करेंगे यानी जोड़ के देखेंगे किसको जोड़ने से एक बटा तीन आता है, ठीक है। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो एक बटा तीन आएगा, एकदम नहीं आएगा। वन प्लस फोर बाई थ्री, इसको जोड़ेंगे तो नीचे कुछ नहीं, तो एक तीन का तीन यहाँ जाएगा, एक क्योंकि चार यहाँ, बटा तीन का तीन, तो आ गया सात बटा तीन, सात बटा तीन आ गया। तो आंसर एकदम नहीं हो सकता है, काट दो इसको, इसको अब देखना ही नहीं, गलत है। यहाँ चेक करते हैं इसको, माइनस वन प्लस फोर बाई थ्री, अल्फा प्लस बीटा करना है, मैंने बीच में जोड़ लगाना है, तो तीन का तीन यानी माइनस तीन प्लस ये चार रहेगा, नीचे नीचे गुणा होकर नीचे होता है तीन। अब देखो तीन में चार घटाएंगे माने माइनस प्लस माइनस, एक बचेगा एक बटा तीन, आ गया, हाँ आ गया है। मतलब इसमें ये वाला सही आ रहा है, ये सही आ रहा है। तो अगला चेक करते हैं कहीं वो भी तो ना आ जाए, वन प्लस माइनस फोर बाई थ्री, तो ये तीन का तीन माइनस प्लस माइनस चार और नीचे तीन का तीन, तो ये आ गया माइनस एक बटा तीन। कितना आया था यहाँ, प्लस एक बटा तीन आया था, और ये माइनस एक बटा तीन आ रहा है इससे, माने ये भी गलत आ रहा है। तो दो गलत आ रहा है, तीस चौथा में तो ऑप्शन ही नहीं है, उसमें तो लिख गए इनमें कोई नहीं, तो बस एक ही ऑप्शन बचा दो। तो हो सकता है कि ये भी ना हो और इनमें से कोई ना हो, तो इसको जांचने के लिए, ये दोनों का तो एकदम नहीं है, इसमें तो उम्मीद नहीं कट गया, ये सिर्फ बचा है, तो इसको 100% कैसे सही करेंगे, तो उसको जांचने के लिए अल्फा और बीटा वाला फार्मूला भी लगा दो। अल्फा गुना बीटा बराबर होता है सी बाई ए। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इनमें से कोई नहीं, एक ऑप्शन ये भी है, तो हो सकता है अगर ये वाला जितना है उतना अगर ये नहीं आया तो लिख देंगे इनमें से कोई नहीं, कहे कि दोनों आना चाहिए, ठीक है। तभी दोनों चेक क्यों नहीं किए थे, क्योंकि एक एक ठो में तीन को कैंसिल हो गया था, तीन को नहीं आया था, एक एक ऑप्शन ऐसा था जो कि सही आया था एक ठो में, तो एक ही ऑप्शन बचबे किया, तो अगला तो उसमें सेट हो ही जाता है, इनमें से कोई नहीं उस ऑप्शन नहीं था, है ना। तो अल्फा गुना बीटा सी वाई होता है, सी होता है माइनस फोर, ए है तीन, तो माइनस फोर बाई तीन आना चाहिए। देखिए अल्फा गुना बीटा करने से ये वाला माइनस एक गुना फोर बाई थ्री, देख चार का चार माइनस में नीचे तीन आ गया, मतलब 100% क्लियर हो गए कि यही सही है दूसरा नंबर ऑप्शन, ठीक है। नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक फिर से बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस तीन के शून्य के निकाल, ठीक है। तो ऐसा जब भी रहे, जैसे 15 जैसा है, 15 जो था एक्स स्क्वायर माइनस 15, तो उसको रूट लगा के कर दिए थे। यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा से काम कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल है, तो ये तो ऐसे भी जहाँ भी ऐसा रहे तो याद रखिएगा, एगो आएगा प्लस में रूट थ्री और एगो माइनस में रूट थ्री, एक्स माइनस रूट थ्री, 15 था तो 15 आया था, और उधर इस करेंगे तो एगो ये प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी बस इसमें रूट लगा देना है, एगो प्लस में एगो माइनस में, ठीक है, एगो प्लस में एगो माइनस में, ये आंसर हो जाएगा 21 नंबर भी वही टाइप का लग रहा है, बड़ा वाला क्वेश्चन है, 3x² - x - 4 इसका निकालना है। तो इसको ऑप्शन से काम करना होगा ढंग से, शून्य को का योगफल अच्छा इसमें, योगफल वाला अल्फा गुना अल्फा प्लस बीटा निकालना है, ठीक है। पहला ऑप्शन 1/3 है, दूसरा ऑप्शन 4/-4/3 है, तीसरा ऑप्शन 3/4 है, चौथा ऑप्शन -1/3 है। अल्फा प्लस बीटा माने शून्य के निकाल के उसको जोड़ना है, ठीक है। तो शून्य के निकाल के हम जोड़ते थोड़े रहेंगे, बुढ़ बोकेगा, लिखने वाला थोड़ी है, हमको आंसर से मतलब है, तो शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो वही निकालो, माइनस बी वन माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, और ए एम है तीन, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा जोड़ने से बोला था कितना होगा, तो एक बोलते तीन एक लाइन में आ गया, पहले ऑप्शन है सही, तो कहे माथा मारी करे, ठीक है। ये है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री के शून्य को का गुणनफल, इसमें बोला है का गुणनफल, गुणनफल गुणनफल माने अल्फा गुना बीटा। तो यहाँ देखिए ये शून्य क्या होता है, बस इसमें रूट लगा देना है, एगो रूट थ्री एगो माइनस रूट थ्री, इसी का गुणनफल बोल दिया, तो गुना कर दो इसको ले, तो गुना करेंगे तो माइनस तो रहेगा ही, रूट थ्री गुना होकर प्लस थ्री हो गया। तो और क्वेश्चन, चलिए और भी क्वेश्चन है, साफ करते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। देखिए डेंजर डेंजर क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन घबराना नहीं है,
आप ध्यान से देखते चलिए, सब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस वीडियो शेयर कीजिए, ज़्यादा नहीं देखते इसलिए रेगुलर, फिर एक दो दिन गैप हो गया था, चल गए थे घूमने थोड़ा, ठीक है, स्कूल से चल गए थे। रिमिक्स फॉल का कीजिए। 23 बहुपद 3x² - 12x का शून्यक निकाल, ऐसा जब भी रहे, देखो यहाँ एक्स नहीं रहता तो रूट लगा देते, वही काम करते रूट बोला, लेकिन यहाँ भी एक्स है तो यहाँ क्या करना है, कॉमन निकाल देना है, ठीक है, का शून्यक निकालना है, शून्यक यानी अल्फा और बीटा, तो ऑप्शन से काम चल सकता है, लेकिन तीनों रहे तो ऑप्शन से काम करिए, ऐसा वाला जल्दी हो जाता है, इसलिए इसको खाली कॉमन निकालना, तो एक्स कॉमन निकले, तीन भी कॉमन निकलेगा, तो यहाँ बच जाएगा एक्स माइनस 3 × 4 = 4 बन जाएगा बराबर 0, बस इतना हुआ, फिर दोनों को बराबर 0 कर दो, 3x = 0 और एक बार x - 4 = 0, तो एक्स आ गया 4 और यहाँ से एक्स आ गया 3, 0 तरफ जाके 0, तो 0 और 4 आ गया, ठीक है, 0 4, तो ये वाला बना के ही करिएगा, ऐसा वाला दो ठो रहे तो, बिना एक्स वाला रहे तो रूट लगा के एक बार प्लस में आंसर, एक माइनस में, और अगर एक्स रहे यहाँ भी तो ऐसा कॉमन निकाल के दो लाइन में हो जाएगा, सब ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 24 नंबर है x² - 5x + 6, चलिए फिर तीन ठो वाला आ गया है, तो इसमें तो ऑप्शन से बोले हैं, ऑप्शन में देखना होगा, ऑप्शन से काम करिए, शून्यक निकालना है तो ऑप्शन से काम करिए, ऑप्शन से काम करिए, चलिए ऑप्शन से काम करेंगे, हैं हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी माइनस पाँच है तो माइनस माइनस प्लस पाँच, ए कुछ नहीं तो एक पाँच आ गया, यानी जोड़ने से पाँच आना चाहिए, तो जोड़ एक और एक जीरो हो गया, ये माइनस दो और एक तीन, तीन दो पाँच, इसमें पाँच आ रहा है, इसमें पाँच आएगा न, माइनस पाँच आ रहा है इसमें, ठीक है, इसको जोड़ने से माइनस पाँच, मानी ये हो गलत, ये हो गलत, ये सब गलत है, तो एक एक सही है तो 100% तीसरा सही है, दो रहता तो चेक करते कि आप कौन सही है, तो उसके लिए यूज करते अल्फा गुना बीटा, लेकिन 100% पता चल गया कि यही सही है, बाकी तीन ठो गलत आ गया, तो क्लियर है, छेड़छाड़ नहीं करना, बस वही हो गया आंसर। 25 नंबर भी देख लेते हैं, 25 नंबर यह x² + 7x + 10 के शून्य का योग, फिर से ऑप्शन से काम करेंगे, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, तो चलिए अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी 7 और ए कुछ नहीं तो 1 प्लस माइनस हो गया है ना, माइनस फार्मूला वाला, तो हो गया माइनस 7, अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो माइनस 7, ये तो एक ही लाइन में हो जाता है, ठीक है, माइनस 7 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और 5 क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 2 का शून्यकों का गुणनफल वाला गुणनफल, ठीक है, माने गुणा अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा है तो सी बाई ए, तो सी कितना है, सीधे 2 है, 2 एक उतना कुछ नहीं तो 1, तो 2 एक दो आंसर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, छोटा छोटा है लेकिन हाई डेंजर है ना। एक क्वेश्चन है 4u² + 8u, देखिए यहाँ भी हो यहाँ भी हो, तो ऐसा हम बोले कॉमन निकाल के निकाल दो, कहाँ निकालना है, शून्यक, शून्यक, तो कॉमन निकाल, 4u कॉमन निकलेगा तो यहाँ u खाली बचेगा, यहाँ 4 × 2 = 2 बचेगा बराबर 0, एक बार ये हो जाएगा 4u = 0, एक बार u + 2 = 0, तो यहाँ हो गया u - 2 और ये u = 0, तो 0 और -2 जहाँ दिखे वही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर, द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्य को योग, शून्य का योग यानी अल्फा प्लस बीटा और शून्य गुणनफल अल्फा गुणा बीटा दोनों दिया हुआ, योग है 0, गुणनफल है √5, ठीक है, तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन, 2.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन शुरू हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्य को का योग, शून्य को का गुणनफल दोनों दिया हुआ, तो इसे हमको निकालना है द्विघात बहुपद, तो इसके लिए फॉर्मूला जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए इसके नीचे लिख देंगे बराबर 0, यहाँ अल्फा गुना बीटा बराबर होता है सी बाई ए, तो सी बाई ए बराबर √5, देखो नीचे कुछ नहीं थे एक, यहाँ भी नीचे कुछ नहीं थे एक, बराबर होना चाहिए, हर बराबर होना चाहिए दोनों का, ए 1 यहाँ भी एक जगह 1 है, काम हो गया, तो लिख देंगे खाली ए 1 है, बी माइनस जाएगा 0 में तो माइनस 0 प्लस 0 कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बी 0 हो गया, सी √5 हो गया, अब इसको बस बैठा देना है x² + bx + c = 0 में, तो a 1 है तो 1x² + b 0 है तो 0x + c √5 है तो √5 = 0, और थोड़ा इज्जत से लिखे इसको, तो x² 0x माने कुछ हो x नहीं तो छोड़ दो उसको, √5 = 0, x² + √5 = 0, कौन नंबर था, 28 नंबर।
ऑप्शन नंबर टू में है, ठीक है। 29 नंबर, शून्यकों का योग और गुणनफल फिर से दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, -3 है, अल्फा गुना बीटा दिया हुआ है 2, तो बोला है इसका भी बहुपद निकालो। तो वही चीज़ करना, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a बराबर -3 दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला c/a बराबर 2 दिया हुआ, हर में कुछ नहीं तो एक, हर में कुछ नहीं तो एक, ए ए ए देखो a1, यहाँ भी a1, तो a बराबर हो गया 1, b कितना हो गया 3 माइनस में, और यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस 3, सी कितना हो गया देखो c 2 हो गया, लगा दो फॉर्मूला x² + bx + c, तो a में 1 है तो 1x² प्लस बी, बी में 3 है तो 3x + c 2 हो गया आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन कहाँ है, 30 नंबर क्वेश्चन कहता है फिर से वही चीज़ वगैरह, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा गुना तो ये तो बन ही जाएगा 31 भी वही है, तो कितना एक ठोक करते रहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा, बटन कोई नहीं है, चलिए। तो इतना क्वेश्चन जो भी बताएं, इसमें से एक दो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रह सकता है, देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत सारा ऐसा आया जो कि एक्सरसाइज में नहीं मिला होगा, चैप्टर पढ़ने समय नहीं मिला होगा, इसलिए एमसीक्यू को एकदम मिस नहीं करना है, ध्यान से समझना है, बाकी लिखित वाला को चैप्टर बढ़िया से पढ़िएगा और जो भी रिविजन करा है उसको कर लीजिएगा, हो जाएगा, लेकिन एमसीक्यू को खास ध्यान रखना है, ठीक है। लिखित वाला जो रहेगा सब्जेक्टिव उसको तो एक बार पढ़ भी चुके हो, लेकिन एमसीक्यू वाला बहुत सारा ऐसा चीज़ आएगा जिसको आप सपने में भी नहीं देखे होंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के। वीडियो समझ में आ रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोग रहें, ज़्यादा क्लास दे पाएँ, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।